केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में सभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ में बीजेपी और केंद्र में मोदी सरकार बनाने का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि सोनिया मनमोहन की 10 साल की सरकार ने 12 लाख करोड़ का घोटाला किया है। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो आए दिन आतंकवादी हमले होते थे। मोदी सरकार में पाकिस्तान ने पुलवामा हमला किया तो पीएम मोदी ने 10 दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखाया। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के उद्देश्य को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने पर दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में भव्य जनसभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भव्य जनसभा में उपस्थित भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर अमित शाह ने प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए अपने 17वें राज्य दुर्ग पहुंचे कार्यक्रम में अमित शाह ने भव्य जनसभा में लोगों से हाथ उठाकर आह्वान कराया कि 2024 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने संकल्प लिया जाए। वहीं अमित शाह को देखने व सुनने पहुंची भीड़ ने भी जयकारे लगाकर आगामी चुनाव में भाजपा को जिताने हुंकार भरी। उपस्थित जनसभा को संबोधित करते हुए अपनी प्रतिक्रिया शामिल लोगों ने दी। जो जनता के धन्यवाद का कार्यक्रम है, इसके तहत आज मैं दुर्ग जिले में ये स्टील नगरी में आया हूं। भिलाई को लघु भारत का रूप माना जाता है। ये भिलाई में देश का कोई प्रांत ऐसा नहीं है जहां से लोग यहां पर नहीं बसते, और आज एक प्रकार से भिलाई में जो जन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बताओ भाई, तेईस में यहाँ विधानसभा का चुनाव है, मुझे बताओ 23 में किस पार्टी की सरकार बनेगी? जोर से बोलिए, किस पार्टी की सरकार बनेगी? और मुझे बताओ 24 में राहुल बाबा और मोदी जी कौन प्रधानमंत्री बनेगा? अरे जोर से बोलो, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? हिलाकर संभाला मोदी जी को छत्तीसगढ़ की जनता ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त, और जब धारा 370 हटी, ये कांग्रेस पार्टी वाले राहुल बाबा के नेतृत्व में सारे के सारे कहते थे मत हटाओ मत हटाओ। मैं ही बिल लेकर गया था, मैंने कहा क्यों ना हटाए भाई, तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाए। राहुल बाबा, धारा 370 हट गई, खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर देश को प्रभु श्री राम का मंदिर कश्मीर में, अरे अयोध्या में बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 70 साल से बाबर ने जब से तोड़ा, कांग्रेस राम मंदिर को लटका रही थी, फटका रही थी, अटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह जाकर राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। और युवाओं, टिकट तैयार रखना, जनवरी में राम मंदिर का अंदर राम लल्ला के दर्शन। 70 साल तक अपनी वोट बैंक संभाल। मोदी जी के शासन में हमने वामपंथी उग्रवाद पर एक बस्तर का थोड़ा क्षेत्र छोड़कर कुल मिलाकर कंट्रोल लेने का काम किया। मित्रों, मोदी जी ने आदिवासी समाज की बेटी को राष्ट्रपति बनाया, पिछड़ा वर्ग को अपना आयोग देकर संवैधानिक मान्यता दी, और दूसरी ओर
एक सरकार बची है कांग्रेस की यहाँ छत्तीसगढ़ की, क्या कर रहे हैं बघेल साहब? घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले। और एक ढेर सारे घोटाले किए, शराब घोटाला 2000 करोड़, कोयला घोटाला परिवहन का 500 करोड़, गरीब अन्न योजना में 5000 करोड़ के घोटाले का आरोप, गोठान घोटाला 1300 करोड़ का आरोप, पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला, लाखों लोगों से नौकरी के सामने पैसे मांगे गए, कोरोना सेस लगाया मगर खर्च नहीं किया, और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में से भी लगभग लगभग 700 करोड़ रुपया के घोटाले के आरोप प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस स्वयं कर रहे। माताओं भाइयों बहनों मुझे बताओ, इतने घोटाले करने वाली सरकार को फिर से चुनना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, चुनना चाहिए। अटल जी की सरकार थी तब छत्तीसगढ़ बनाया गया, और फिर छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से अच्छे राज्य में बदलने का काम भी 15 साल तक हमारे रमन सिंह जी ने किया है, और आगे पर भी छत्तीसगढ़ को हम आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, कांग्रेस वाले बहुत ढोल पीटते हैं, मैं आज मुख्यमंत्री से पूछने आया हूं, 10 साल तक आपकी सरकार थी, देश की इतिहास बदल दी, और जिन्होंने जम्मू और कश्मीर के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार किया है, इस देश में दो निशान, दो प्रधान, दो विधान को हमेशा के लिए समाप्त करके 370 समाप्त करने वाले नेता आज हमारे गृह मंत्री जी के रूप में आए हैं, तालियों के साथ स्वागत करेंगे। इस 9 साल में देश ने करवट बदली है, परिवर्तन आया है, और तुलना करते हैं कांग्रेस के साथियों से, मैं तो बता देना चाहता हूँ कितनी लंबी यात्रा कांग्रेस के इतने दिन सरकार होने के बाद भी हिंदुस्तान पिछड़ा क्यों रहा, करोड़ों घर में पानी की। गरीब माँ के बेटा देश के प्रधानमंत्री बन के गाँव गरीब किसान के तरक्की के काम करे थे, हर वर्ग के विकास के काम करे थे, आज दुनिया में भारत तेजी से आगे बढ़त है, और आज दुनिया ये मानत है कि आज 21वीं सदी भारत के सदी है, और यही पाए के ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री लगती है, तो युवाओं के मन के साथ खेलते हैं। अगर आपके घर में कोई नौकरी करने वाला है, पड़ा है, तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। आपके घर पर मोटरसाइकिल है तो आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, ये कहने वाली अगर कोई सरकार है जिसने बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए देने का वादा किया, आज पूछिए कि चुनाव जब सामने है तो इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, और उसमें इतनी शर्तें लगाई, इतनी शर्तें कि उन शर्तों के आधार पर बहुतायत युवाओं को उन्हें अब तक 15,000 करोड़ रुपया देना था, लेकिन वे मात्र 250 करोड़ रुपया बेरोजगारी भत्ता के लिए अपने बजट में रखे हैं, मतलब 14,750 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों की जेब से भूपेश कक्कड़ ने चुरा लिया है। भूपेश है तो भरोसा नहीं, बल्कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश कक्कड़ ने ठगा दिया। अब मैं इसके बाद बहरहाल यहां हजारों की संख्या में भीड़ देखने को मिली। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्गा से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।